मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह का वक्त हो चला है 5:30 बजे का और काफ़ी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि कल जो हम स्कूबा डाइव नहीं कर पाए थे वो आज हमें करनी ही है और ये है ब्यूटीफुल रिजॉर्ट सिम्फनी समर सैंड नील आइसलैंड में। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना वो भी मिस हो जाएगा। सुबह के 6 बजे है और मैं जा रहा हूँ भरतपुर बीच जहाँ पे होती है वाटर एक्टिविटीज़ और यहाँ की खूबसूरती तो देखते ही बनती है बॉस। यूँ ही नहीं कहते कि नील आइलैंड में तो रुकना बनता ही है। सुबह का वक्त है तो कुछ भी भीड़ नहीं है। यहाँ पे होगी हमारी एंट्री, सब फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, साइन करना पड़ेगा। कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा सोच लो। पानी काफ़ी दूर चला गया है, शायद वापस आया ही नहीं। स्कूबा डाइव के लिए इस सूट का पहनना ज़रूरी है तो इसमें से ही एक चूज़ करते हैं। सूट पहन के हो गए हैं रेडी। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी करेंगे ट्रेनिंग और ये देखो सुंदरता बीच की। और सुबह का वक्त है तो कुछ भी भीड़ नहीं है, बहुत ही लाजवाब बीच है ये, है ना। आगे मोबाइल अलाउड नहीं है तो जो वीडियो मिलेगा आप वही देख पाओ। तो मिलते हैं स्कूबा डाइव के पास। यहाँ पे होगा हमारा ट्रेनिंग जो कि है, यहाँ पे वाटर है जहाँ पे चल के जाना पड़ता है, वहाँ पे पहले होगा ट्रेनिंग। उसमें पास हो गए तो ही अंदर जा सकते हैं क्योंकि अंदर जाना बहुत रिस्क है। अभी हमें बुला रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे ब्रीफिंग के लिए। आपको शायद यहीं तक का वीडियो मिलेगा। सी वाली स्कूबा डाइविंग तो काफ़ी लाजवाब थी। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे आईज में इचिंग हो गई इसलिए आगे का वीडियो मैं नहीं ले पाया और सीधा हम पहुँच गए हैं पोर्ट ब्लेयर वापस। अभी लगभग 12 बजे है और 12 बजे ये शिप पहुँच गई है वापस से पोर्ट ब्लेयर। धूप काफ़ी तेज़ है, दोपहर के 12 ही बजे। धूप तो आप देख ही पा रहे हो, मुँशी कर रही है एंजॉय और बाकी बच्चे भी। सो लेट्स गो, चलो यहाँ पे भी और कुछ एक्सप्लोर करेंगे, क्यों भाई नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरा जो माल है ना वो इतने बड़े शिप से आता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी शिप्स आपको देखने को मिलेगी। और ये है नॉटिका जिसमें हम अभी आए थे। अभी चलते हैं होटल, वहाँ पे होते हैं फ्रेश, उसके बाद आपको दिखाऊंगा एक अनोखा नज़ारा। फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े हैं मुंडा पहाड़ यानी चिड़िया टापू की ओर। थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा थक गए थे, आइज़ में भी थोड़ी सी तकलीफ थी। और ये स्पॉट तो देखते ही बनता है बॉस, अगर आप जल्दी जाते हो ना तो जल्दी वापस भी आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत
जल्दी होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है आपको। वापिस आते वक्त यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि यही है सनसेट वाला पॉइंट। रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा जंगल है, बड़ा बड़ा पेड़ है, जंगल तो बड़ा ही होता है ना। क्या यार तू भी देखो पेड़ कितने बड़े है कि नहीं। ये हम पहुंच गए चिड़िया टापू। यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ता है और भीड़ तो काफ़ी दिख रही है। मुंडा पहाड़ बीच, वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। अरे वाह अमेजिंग। 2017 में जब मैं आया था ना तब भी इतनी ही खूबसूरत ब्यूटी थी और आज भी वैसे की वैसी ही है। चलो एक जंप मार के आपको दिखाता हूँ यहाँ की ब्यूटी। 2017 लॉग इन लॉग आउट और उसके बाद 2024 लॉग इन लॉग आउट। चलो चलते हैं आगे मुंडा पहाड़ की ओर, देखते हैं वहाँ पे आज मुंडा पहाड़ क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। यहाँ से एंट्री गेट है मुंडा पहाड़ ट्रैक की, लेकिन एक बैड न्यूज़ है, 4 बजे यहाँ से एंट्री होती है बंद क्योंकि यहाँ से मुंडा पहाड़ चढ़ के जाना और आने में 2 घंटे लगते हैं। उतना वक्त तो हमारे पास था नहीं इसलिए मजबूरन वापस आना पड़ा, वो भी मुशी को कंधे पे उठा के। भाई इसमें भी अलग ही मज़ा है। चलो भाई मुंडा पहाड़ तो जा नहीं सके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है सनसेट पॉइंट। और ताकि ये हमारा लास्ट सनसेट होगा अंडमान का तो इसकी खूबसूरती तो कैप्चर करना बनता ही है। ब्यूटीफुल। अभी बहुत वक्त लग रहा है ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। ये देखो यहाँ की खूबसूरती है ना खूबसूरत, सनसेट की बात कर रहा हूँ मैं। सनसेट देख के आपको लग रहा होगा कि ये 6 या 7 बजे होंगे लेकिन नहीं, ये सिर्फ 5 बजे हैं। रारू तो मस्त भाग ही रहा है, क्यों रे? A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. बच्चे यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं, आई डोंट नो क्या ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको कुछ मिल रहा है। और इशू कर रही है मस्ती पानी के साथ। अभी थोड़ा सा वक्त बचा है टू सी द ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ मुंडा पहाड़, सॉरी चिड़िया टापू। सच में यार यही होते हैं वो पल जिसे कैप्चर करने हम इतने दूर जाते हैं। अभी सूरज तेजी से नीचे जा रहा है और इसे कैप्चर करना ही है। पानी भी थोड़ा सा आगे आ रहा है धीरे धीरे। खूबसूरत ये स्पेशल सिनेमैटिक शूट आप ही के लिए है यार, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। यहाँ पे हमने टाइम लैप्स लगाया है और जब टाइम लैप्स लगाया था ना तब हमारा ट्राइपॉड पानी से बहुत दूर था, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्राइपॉड पानी में जा रहा है। कोई बात नहीं यार, इतना रिस्क तो बनता ही है ना। अभी कुछ ही देर में होगा सनसेट जो कि हम अपनी आंखों से देखेंगे। सूरज हुआ मध्यम, चांद अभी तक नहीं आया है, सूरज ही मध्यम हो रहा है। आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक था, तो चलते हैं रूम की ओर और करते हैं थोड़ा सा आराम। आई थिंक यू लाइक द वीडियो सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।